हेलो हेलो एवरीवन एवरीवन हेलो एवरीवन आइए आइए स्वागत है आप सभी का एक मिनट होल्ड करना बस शुरू करते हैं थोड़ा सा रुक जाओ बस जानी वेरी सून वी गना स्टार्ट विद आवर लेक्चर आइए आइए स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे पेशकश में सभी का स्वागत है दोस्त सभी का स्वागत है कैसे हो बच्चों क्या हाल चाल है कैसे हो बच्चों क्या हाल चाल है हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है आज के इस प्यारे से लेक्चर में यस yes. बश एक मिनट देना मेरे को बश एक मिनट बश एक मिनट ज्यादा समय में आपका नहीं मांगूंगा ज्यादा समय मैंने कभी मांगा है आपका बताओ सर कोई लिख रहा है सर पार्टी में है कौन से सर पार्टी में है कौन से सर पार्टी में, सर, पार्टी में भाई कौन पार्टी कर रहा है ये समय कौन पार्टी कर सकता है सब पढ़ाई कर रहे हैं कौन है कौन वो पार्टी कर रहा है बताओ मेरे को ये तो पढ़ाई करने के दिन है भाई अभी केम यू पीपल नमस्ते सच श्रीकाल दोस्तों कैसे हो आप लोग सब वधिया सब वदिया, सब चंगा घर पे सब ठीक है आपके मम्मी पापा कैसे हैं सब बढ़िया हैं आपसे खुश हैं कि नहीं हैं है ना आपसे खुश हैं कि नहीं कितने की मोम डेड किस कहीं है ना कई लोग ना मोम डेड के साथ लेक्चर देखते हैं आए मेरी तो ऐसी जान निकलती है भाई मोम डेड के साथ देखते हैं है ना कितने लोग हैं मम्मा पापा भी उनके लेक्चर देखते हैं कई लोग हैं जो कई लोग बड़े स्वीट हैं यार अब कई मेरे को एक दो स्टूडेंट्स uh, का कॉल है उनकी मॉम ने मेरे से बात की उनकी मॉम कहती है सर आप गाना बड़ा अच्छा गाते हो सारी 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 मॉम जितनी सी मॉम से मेरी बात हुई है सारे स्टूडेंट ने कराए हैं सभी कहते हैं सर आप गाना बहुत अच्छा गाते हो बड़ा अच्छा लगता है यार चलो कि चलो कोई तो है मतलब अंकल आंटी लोग इतना प्यार करते हैं यार आप जबरदस्त जबरदस्त चलिए सो so, यस yes, कैसे हैं आप सभी लोग बस शुरू करते हैं एंड बस एक मिनट दे दो मेरे को ये uh, yes, सारा लिंक मैं हर जगह भेज दूँ फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्यारा सा कम्युनिकेशन का लेक्चर आपको पता है uh, आज ना मेरा नेट ही नहीं चल रहा था और अभी भी कुछ खास नहीं है अभी भी कुछ खास नेट नहीं चल रहा है वैसे सो आई हैव टेकन अ बेसिकली रिस्क छोटा सा रिस्क लिया हूँ मैंने लेक्चर लेके रिस्क इन सेंस बीच में कुछ गड़बड़ आशाएं कम है बट हो सकती है बिकॉज नेट आज बहुत फ्लक्चुएटिंग है शाम का लेक्चर इसीलिए नहीं हो पाया पता है अदरवाइज प्लानिंग पूरी थी यार जबरदस्त मैं आ गया था मस्त तैयार था पूरा यार देखा तो नेट मूड ऑफ कर देता है पता है नेट पूरा सारा मूड ऑफ कर देता है चलो आओके कैसे हैं मेरे दोस्तों आप लोग आप सभी का स्वागत है आज के इस पेशकश में दोस्तों आइए 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 सुस्वागत मेरे दोस्तों मेरे जानी ओके okay, ग्रुप आप प्लीज लिंक आप हर जगह आप सेंड कर देंगे आई होप अच्छा सुनिए अभी सर 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 आपने तो बोला था आज से डाउट सेशन सॉल्व चालू हो रहा है हाँ सर लेंगे आज मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मैं कम्युनिकेशन का लेक्चर ले रहा हूं सर लेंगे हाँ जी अब्बर सर जरूर जरूर जरूर, जरूर आज डाउट सॉल्विंग सेशन आपका जो है शुरू हो रहा है डाउट सॉल्विंग एमसीक्यू सेशन अब्बर सर लेंगे जस्ट मेरे बाद तो चलिए ओके सर uh, तुस्सी मैसेज का रिप्लाई अरे यार आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ तो उसके लिए मैं तहे दिल से तहे दिल से माफी चाहता हूँ मोदी जी डोंट इग्नोर दिशा पटनी आई है दिशा पटनी कह रही है मोदी जी डोंट इग्नोर आई लव यू दिशू चलिए ओके सो शुरू करते हैं हमारा कम्युनिकेशन हमने कहां तक पढ़ लिया था एक बार देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आपसे मैं कुछ करूंगा सवाल जिसको आपके जिसको देने पड़ेंगे जिसमें आपको देने पड़ेंगे मुझे उसके जवाब तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पेशकश सो so, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है ना चलो मयूरी कह रही है सर मेरी चाची को आप बहुत पसंद हो ओहो। चरम आ गई यार आ चलो धन्यवाद ओके चलिए ध्यान देंगे सर आपने मेरा एक महीने पहले का मैसेज का रिप्लाई दिया श्रंगा गुप्ता जी गुप्ता जी एम सो सॉरी फॉर दैट गुप्ता जी मैं तहे दिल से उसके लिए माफी चाहता हूँ गुप्ता जी है ना आई एम सो सॉरी फॉर दैट मैं ना आपको सबको कॉल करूंगा पक्का आपको सबको मैं कॉल करूँगा एक दिन बस थोड़ा सा थोड़ा सा स्केड्यूल फ्री हो जाए सबको अपन मस्त बात करेंगे आपके एग्जाम हो जाए ना मस्त अपना जूम मीटिंग करेंगे मस्त एक बढ़िया मस्त एक नंबर गेम वेम खेलेंगे जूम मीटिंग में मजा आएगी मजा नहीं लाइफ करेंगे अपन बस थोड़ा सा ये टाइम चला जाए चलो आ जाइए कोई लिख रहा है कि मेरी मम्मी आपके लेक्चर देख के बोलती है ऐसा टीचर मिलता तो मैं टॉप कर दिया हाँ

Person, कौन था वो व्यक्ति जिसने कहा था जनता जवाब जानना चाहती है जनता जवाब जानना चाहती है मेरी मम्मी आपको बहुत पसंद करती है अरे यार बताओ जमाना देखो थैंक यू सो मच आंटी जी चलिए ना बट तो मैंने देखा मेरे को ना ऐसे, ऐसे लड़कियां कोई पसंद नहीं करती यार ऐसे तो तुम बोल रहे हो तुम्हारी मम्मी चाची पसंद करती है बट ऐसे तो कोई नहीं करता है बड़ा बड़ा दुख है मेरे दिल में क्या ही बताऊं तुम्हारे को स्केटिंग चलिए ओके शुरू करते हैं यस yes, बताइए जल्दी जल्दी से तो जॉट टर्री ने कहा ना चलो ओके okay, चलो 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 वंडरफुल अच्छा मुझे बताओ मुझे बताओ किसने कहा था कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट एलेक्ट्स कॉन्फिडेंस वेदर और नॉट एलेक्ट्स कॉन्फिडेंस किसने कहा था जल्दी बताओ वेदर और नॉट एलेक्स कॉन्फिडेंस किसने कहा था जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताओ ना बताओ जल्दी कौन सो so, ये कहा था कुन्ज़न ओरडिनल ने वेदर और नॉट एलेक्स कॉन्फिडेंस कुन्ज़न ओरडिनल कुन्ज़न ओरडिनल ओके okay, दोस्तों क्या बात है आज तो फुल तैयारी के साथ बैठे हो आंसर्स पे आंसर्स दे रहे हो रटा रट रटा रट क्या बात है आज कुछ तो जोश है अंदर <coughs> चलो ओके okay. अच्छा मुझे बताना जल्दी से मुझे बताना कौन सी डिक्शनरी ने कहा था कम्युनिकेशन इज अ एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेबस्टर डिक्शनरी ने कहा था मैं आगे बढ़ते हैं चलो ये फालतू की बात थी आ, कम्युनिकेशन के फीचर्स हमने देखे थे कम्युनिकेशन में दो व्यक्ति चाहिए टू वे प्रोसेस है एक बोलेगा एक सुनेगा एक बोलेगा सुनेगा जिंदगी क्या है दो लोगों से चल रही है एक बोलता है एक सुनता है एक बोलता है एक सुनता है है ना हाँ 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 ओके नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस यू मीन ऑन गोइंग प्रोसेस पीपल रुकने वाला है क्या क्या बात करना रुकने वाला है जीवन में क्या कोई बात करने से रुकने वाला करे कोई नहीं रुके करे बाबा दुनिया डायनामिक है देखो ना दुनिया डायनामिक है चेंजिंग है चेंजिंग है वक्त बदलता है इंसान बदलता है इंसान के जज्बात बदलते हैं वक्त बदलता है इंसान बदलता है इंसान के जज्बात बदलते हैं है ना बस शायरी थोड़ी थी अब तो मेरे को शायरी हरी थोड़ी आती बस ऐसी बोलती है एक डायलॉग आया चिपका दिया मैंने है ना तो बेसिकली येस yes, वैसी कम्युनिकेशन भी बदलता है है ना वैसे ही कम्युनिकेशन भी बदलता है मित्रों सो कम्युनिकेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है शायरी मारना अब्बरसर का काम है हमारे अब्बर सर एक से एक शायरी मारते हैं एक से एक एक से एक एक से एक शायरी मारते हैं अब्बर सर ऐसा कहते हैं कि एक तरफ थी नदी एक तरफ था प्यार ऐसा अब्बर सर कहते हैं एक तरफ थी नदी एक तरफ था प्यार हम तो नहा लिए नदी में हम तो नहा लिए नदी में भाड़ में जाए प्यार वाह वाह बाबा अबडियन की जय हो बाबा अबडियन की जय हो है ना अब है ना पता है कई स्टूडेंट्स uh, हैं जो एग्जाम में पता है क्या लिख के आते हैं एज पर एज पर द इकोनॉमिस्ट अबडियन अबडियन है ना एज पर द द इकोनॉमिस्ट अबडियन इकोनॉमिक सप्लाई मीन्स ठोक के आते हैं बजा के डीकॉम एग्जाम में है ना इतने तो पता है आके ऐसा ऐसा करके आया हूं सर वाह अभी ध्यान देना दोस्त चलिए सुनो <laughs> ध्यान देना कम्युनिकेशन uh, में क्या होता सिर्फ है सिर्फ फैक्ट्स होते हैं आइडियाज होते हैं कि इमोशंस भी होते हैं कि इमोशंस भी होते हैं कम्युनिकेशन में सिर्फ फैक्ट्स हैं आइडियाज की इमोशन भी बेटा इंसान ना एक इंसान का दिल इमोशंस का पुतला है मेरे अंदर भी बहुत इमोशंस हैं आपके अंदर भी बहुत इमोशंस हैं मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ है ना है कि नहीं इमोशन इंसान इमोशनल है यार इंसान भरी बिल्कुल यार दुख भी होता है खुशी भी होती है

एक एक इमोशन है सिर्फ फैक्ट्स और आइडिया नहीं है कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन में क्या है इमोशंस क्या है बच्चा बताओ इमोशंस है इमोशंस व्हाट वी हैव है ना इमोशंस हैं सर एन्वायरमेंट कब स्टार्ट होगा राहुल उसका उसका बताऊंगा मैं डोंट वरी राहुल गुर्जर बताऊंगा ठीक है कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन ऑनगोइंग प्रोसेस है इसमें इमोशंस है डायनामिक है बदलती रहेगी गोल ओरिएंटेड है व्हाट डू मीन बाय गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन बेटा हमेशा ऑब्वियसली एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ना वेन ऐसे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम आपस में बातें करते हैं ना चलो उसके बाद में कम्युनिकेशन इंटर साइंस है मुन्ना इसमें क्या होता है बच्चा इसमें होता है हम बॉडी लैंग्वेज स्टडी करते हैं बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज है ना क्लास में कई बार मैं पढ़ाते रहता हूँ कई स्टूडेंट ऐसे बैठते हैं कई बार कई बार ऐसे बैठे रहता है कोई की है। की है रात भर चैटिंग किया रात भर चैटिंग किया किसी ने रात भर चैटिंग किया एक आधी बच्चा होता है क्लास का एक बच्चा तो पक्का होता है जो ऐसा बैठता है ध्यान है नहीं उसका मस्त ख्यालों में सो रहा है मस्त एक नंबर नींद ले रहा है वो आये हाय 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 क्या सपने देख रहा है वो बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता जो चल रहा है चलने दो क्लास में अपने को सोने का है अच्छा कई लोग होते हैं जो स्टूडेंट ऐसा बैठते हैं स्टूडियस हाईली स्टूडियस जो एकदम देते हैं हाईली स्टूडियस है ना कई लोग ना एकदम ध्यान देते हैं बॉडी है लैंग्वेज से बहुत बार आप जान, जान सकते हो साइकोलॉजी सबकी अलग होती है जैसे मैं बोलूंगा किस किस को व्हाइट पसंद है व्हाइट और ब्लू में सिलेक्ट करना हो तो मैं कहता हूँ क्या सिलेक्ट करोगे यू विल चूज यू विल चूज व्हाइट और ब्लैक आपको दो ऑप्शन दिया जाए ब्लैक की व्हाइट ब्लैक अच्छा लगता है कि वाइट अच्छा लगता है कलर वाइज पूछ रहा हूं कुछ और मत सोच लेना मैं सिर्फ कलर की बात कर रहा हूं कौन सा अच्छा लगता है नहीं तो तुम पता नहीं क्या क्या सोच लोगे है ना ब्लैक की वाइट कौन सा कौन सा कलर तुमको ज्यादा पसंद है कौन सा कलर अच्छा सबके आंसर अलग आएंगे कई लोग कहेंगे व्हाइट कई लोग कहेंगे ब्लैक कई लोग कहेंगे व्हाइट कई लोग कहेंगे ब्लैक अरे सीधी सी बात है ना क्योंकि साइकोलॉजी सबकी अलग होती है देखो और ज्यादातर लोग ब्लैक कह रहे हैं क्या बात है काली शक्तियां भरी पड़ी है ना तुम्हारे अंदर काली शक्तियों के पुतले हो तुम लोग तुम्हारे अंदर काली शक्तियों का भरपार जम चुका है नवरात्रे के दिन है काला पसंद है तुम्हारे को चलो कोई नहीं वेरी गुड अच्छी बात है वैसे मेरा भी फेवरेट कलर ब्लैक है ब्लैक ओके चलिए नेक्स्ट है उसके बाद में कम्युनिकेशन का हमने इंपोर्टेंस देखा था कम्युनिकेशन क्यों बढ़ रहा है क्यों कम्युनिकेशन का रहा है? बढ़ रहा साइज ना आज देखो ना पहले ऑर्गेनाइजेशन सी हुआ करती थी आज मैं हजारों और कंपनी के अंदर इसलिए कम्युनिकेशन का इंपोर्टेंस बढ़ रहा है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन टूडे स्पेशलाइजेशन इज टू द नेक्स्ट लेवल इतने सारे डिपार्टमेंट है सबके बीच में कॉर्डिनेशन नहीं होगा कम्युनिकेशन नहीं होगा मर जाएंगे ना सब कट थ्रोट कॉम्पिटन गला काट कॉम्पिटिशन है सबके बीच में अगर तुम बेस्ट नहीं हो कम्युनिकेशन में कोई काट के तुम्हारे को आगे निकल जाएगा ना यू हैव टू बी बेस्ट ना सीधी सी बात है ना आपको बेस्ट बनना पड़ेगा ना देखो मुंह देखो यार ऐसी बात है कि यार आपको बोलने में तो चैम्प रहना चाहिए ना बोलने में तो एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा इसके बिना काम ही नहीं चलता ना जानी उसके बाद ट्रेड यूनियन मूवमेंट वॉट वो यून वोट ट्रेड यूनियन मूवमेंट आपके जो एम्प्लॉज है ना जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं उनसे भी बातचीत अच्छी रखनी चाहिए अगर उनसे बातचीत अच्छी नहीं होगी है ना उनसे अगर बातचीत अच्छी आपकी नहीं होगी तो फिर यार दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी सो वो लोग कई बार गलत एक्शन ले लेते हैं सो दैट्स वाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर यम्प्लॉज ह्यूमन रिलेशन ह्यूमन रिलेशन देखो इंसान ना इंसान इंसान जो है ना ऐसा कहा जाता है कि उसके पास कितने पैसे हैं ऑब्वियसली ये तो मैटर करता है मैं ये नहीं बोलूंगा मैटर नहीं करता पैसे भैया क्या बात करते हैं बड़े मैटर करते हैं पैसे की तो बात ही अलग है हम सी क्यों कर रहे हो तुम तो लोग क्यों कर रहे हो सीएस क्यों सी क्यों कर रहे हो सर हमको तो देश की सेवा करना है सर सर हमको तो देश की सेवा करना है कल जाके हमको सर महीने के एक हजार मिलेंगे तो भी चलेगा बिकॉज सर हम हमारे देश को कंप्लाइंस में नंबर वन लाना चाहते हैं सर हम पैसे के पीछे थोड़ी भागते हैं सर हम तो देश के पीछे भागते हैं सर फालतू बात नहीं करने का बेटा तुम सच सच बताओ क्यों कर रहे सी पैसा हाँ तो बेसिकली देश ध्यान देना दोस्त मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को कि मोनी मनी इज़ इंपॉर्टेंट डेफिनेटली बट उससे भी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिलेशन ह्यूमन रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है यार ये इंसान 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 यार एथिक्स बोलते हैं ना एथिक्स जो अंदर से जागता है एथिक्स मतलब कि यार आप आ, बेसिकली किसी का ट्रस्ट ना तोड़ो किसी के साथ विश्वासघात ना करो आ, सबसे अच्छी अच्छी बातें करो प्यारी प्यारी बातें करो ए, रिलेशन ऑटोमेटिकली आपके अच्छे बन जाएंगे जब आप सामने वाले से अच्छे हो सामने वाला आपके साथ अच्छा रहेगा सिंपल सी बात है तो ह्यूमन रिलेशन कैसे डेवलप होते हैं कम्युनिकेशन से है ना नेक्स्ट है उसके बाद में पब्लिक रिलेशन आप पूरे सप्लायर से इन्वेस्टर से मीडिया से अच्छे रिलेशन रखना चाहते हो रखो ना दिक्कत क्या है मुन्ना कम्युनिकेशन अच्छा रखना पड़ेगा कम्युनिकेशन इज अ पर्सनल एसेट बाबू कम्युनिकेशन पर्सनल एसेट है ना मीन बाय पर्सनल एसेट अरे भाई समझो बात को मेरे बोलने का तरीका अलग है आपके बोलने का तरीका अलग है मेरे पापा के बोलने का तरीका अलग है मेरी क्रश का बोलने का तरीका अलग है दिशा पटनी का बोलने का तरीका अलग है सबका पर्सनल एसेट है कम्युनिकेशन कई लोग कम्युनिकेशन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं कई लोग कुछ बोल ही नहीं पाते हैं जैसे मैंने मैं मैंने इंटरव्यू मैंने लिए हुए हैं लोगों के है ना सो so, जब मैं सी एस बना था मेरे को चांस मिला था दो तीन बार चांस मिला ऐसे एक कंपनी में जब था मैं तो ऐसे ट्रेनी को अपॉइंट करना था आई वॉज़ एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी में Uh, उसमें ट्रेनिंग का इंटरव्यू था तो कई लोग आते सी एस बन गए हैं सी एस बन गए हैं जैसे उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ पता है कैसे जवाब देते हैं मम um, 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 जैसे घबराते हैं एकदम माय नेम इज़ राज माय नेम इज राज आई आई हैव स्टडीड फ्रॉम आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिल्ली माय हॉबी इज स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एंड एंड माई हॉबी स्पोर्ट्स एंड एंड आई वॉन्ट टू डू अ गुड जॉब इन दिस कंपनी एंड एंड दैट्स इट ऐसे जवाब देते हैं अब बताओ सी एस बन गया बंदा मैं उससे पूछ रहा हूँ टेलमी समथिंग अबाउट अरे धड़ धड़ बोलने का धड़ धड़ बोलने का एकदम कम्युनिकेशन स्किल चैंप होनी चाहिए देखो लैंग्वेज मैटर नहीं करती लेकिन आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है ना बॉस आप कॉन्फिडेंस अगर घबरा जाओगे ना तो कुछ नहीं होता जीवन में घबराने से कुछ नहीं होता लोग घबरा जाते हैं यार सी बनने के बाद भी ऐसे घबरा जाते हैं वो उसको मैं को सुधारना है और आप लोग को मैं सुधार दूंगा मतलब जिन जिन लोगों को डर है डर फैक्टर मेजोरिटी को रहता है एंड वो फैक्टर को अपन निकालेंगे बाहर है ना सो बस कोई नहीं बने रहो सब ठीक हो जाएगा चलो अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस की आइए दोस्तों कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है आइए लेट्स चेक इट आउट ध्यान देंगे सभी लोग ओके पीपल सो नाउ ओके लेट्स चेक इट आउट कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे चलती है हाउ कम्युनिकेशन प्रोसेस चलती है आइए देखते हैं <coughs> सर आपको व्हाट्सएप पर नहीं बोलते क्या नहीं बोलते सर कैन आई स्पीक बट आई स्पीक टू मच अरे बस 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 अरे बस 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 बस, बस। अरे धन्यवाद अरे आज कुर, आज रात को नींद नहीं आएगी मेरे को थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए धन्यवाद आप सभी का अभी पढ़ाई कर लें क्या आओ ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना चलो कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे चलता है शो ना कम्युनिकेशन आइए देखते हैं है ना सो so, आओ देखते हैं बेबी शो ना कैसे चलता है कम्युनिकेशन आओ कम्युनिकेशन कैसे चलता है सबसे पहले ना मैंने सोचा यार यार मैं ना अभी ना अभी आशीष सर का कॉल आया था आशीष सर बोल रहे थे यार सर क्या मोदी जी मेरे को आशीष सर बोलते हैं व्हाट यू आर डूइंग मोदी जी कहीं प्लान करो मोदी जी कहीं घूमने चलो मोदी जी मैंने कहा कहाँ घूमने जाएं सर कोरोना की हालात में सर कहाँ जाएँ बताओ सर घर वाले कहीं निकलने नहीं देते हैं सुबह से रात घर पे रहता हूँ इंसान बाहर का तो खाने दे नहीं रहे नवरात्रे चल रहे हैं तो मेरे घर तो प्याज भी नहीं खाते हैं वैसे ही मेरी मम्मा तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाती है सच में तो मेरे को तो बाहर का भी खा नवरात्र में हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाते पिज़्ज़ा वज्जा खाने का मन कर रहा है सर कुछ नहीं खा सकता बाहर से कुछ मंगा नहीं सकता सर दिक्कत देखो मेरी लाइफ में कितनी है सर मतलब इंसान सर क्या बताऊँ आपको सर कहते हैं सर मोदी जी घूमने चलो आज सर का फ़ोन आया सर कहते हैं आगरा चलते हैं अपन ताजमहल जाते हैं पहले तो आशीष सर वो लाइक कि पागल हो गए पड़ा पड़ा के तो पागल खाने भी जा सकते हैं बट नहीं 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 आगरा ताजमहल दिल्ली साइड घूमते हैं मस्त एक नंबर ट्रिप बनाते हैं वहाँ से गोवा निकलते हैं और मस्त थोड़ा सा रिलैक्स होकर आते हैं आशीष सर ने ऐसा बोला मेरे को तो मेरे को अभी आशीष सर ने बोला मैंने तो उनको हाव बोला बट मेरे को किससे परमिशन लेना पड़ेगा मम्मी पापा तो अब मेरे दिमाग में आइडिया आया किस तरीके से मम्मी पापा को मनाऊ गया मम्मी पापा के पास आइडिया लेके गया एंकोड किया एंकोड मतलब मम्मी पापा को मैंने बोला एंकोड मतलब अपनी भावनाएं मम्मी पापा के सामने बयां किया मैंने कहा मम्मा पापा आ, कोरोना तो ठीक हो गया अभी उस साइड तो पुणे साइड तो कोई कोरोना है नहीं एक्चुअली ना ये सारे सर लोग जो है ना एकेडमी के सब लोग घूमने जा रहे थे तो ना ऐसे मैं भी सोच रहा हूँ कि हो आता हूँ हो आता हूँ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा अब मैंने ऐसे पापा को बोला मान लो मैंने अपने मम्मी पापा को बोला अब मेरे मम्मी पापा को मैंने ड मतलब अपनी बा बातें बयां किया चाहे वो सिंबल से किया वर्ड से किया चार्ट से किया जैसे भी किया अच्छा मेरे मम्मी पापा को ट्रांसमिट हुआ ट्रांसमिट मतलब उन तक वो गया उन्होंने उसे रिसीव किया किया उन्होंने उसे रिसीव किया। रिसीव करने के बाद में ध्यान देना उसे डी अंडरस्टूड किया उसे अंडरस्टूड किया उसे समझा और बाद में, में रिप्लाई दिया रिप्लाई क्या दिया रिप्लाई क्या दिया कहीं जाने की जरूरत नहीं है चुपचाप जा पड़ा बच्चों को चल ये मेरे पापा ने मुझे रिप्लाई कर दिया दिल वाले पुछ देने ने चा ओ, 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 ओ ऐसा हो गया है ना सपने कहाँ के थे आगरा जाएंगे दिल्ली जाएंगे मस्त एक नंबर गोवा जाएंगे आ हा ऐश करेंगे गोवा वाले बीच में रानियों के बीच में ठंडी ठंडी पी लेंगे थोड़ी थोड़ी है ना सो बेसिकली ना याद रखना तो बेसिकली हो क्या गया हो क्या गया गड़बड़ हो गई ना भाई सो याद रखना याद रखो समझो बात को कि ये है कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे चलता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस सबसे पहले आपके दिमाग में आता है आइडिया आइडिया को आप करते हो एंकोड एंकोड बोले तो बया करते हो बया क्या करते हो बोलो बया बया मतलब एक्सप्रेस मैं यहां को क्या बोलते हैं एक्सप्रेस करते हो आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो सिंबल में चार्ट में वर्ड्स में ट्रांसमिट ट्रांसमिट होता है वो फिर आप जाता है एक चैनल से चैनल कुछ भी हो सकता है व्हाट्सअप फेसबुक कुछ भी चैनल हो सकता है है ना किसी भी चैनल से आप वो जाएगा फिर वो इंफॉर्मेशन रिसीव होगी फिर वो सामने वाला समझेगा और फिर आएगा फीडबैक है ना होता है ना यार अच्छा व्हाट्सएप से भी तो सेम प्रोसेस है ना व्हाट्सएप से भी तो सेम प्रोसेस है अभी ना एक हमारे ना हमारे रिलेशन में एक अंकल है अब फैमिली सबका फैमिली ग्रुप होता है ना तो एक वीडियो थी वो वीडियो थी थोड़ी सी अरे आशीष सर का कॉल आ रहा है एक मिनट हाँ सर <laughs> आशीष सर का कॉल आया सर कह रहे आगरा भी जाएंगे गोवा भी जाएंगे दिल्ली भी जाएंगे <laughs> चलो ठीक है <laughs> चलो ठीक है।, <laughs> है ओके आजीवी सर का कॉल आया था सर कह रहे हैं गोवा भी जाएंगे दिल्ली भी जाएंगे आज हर जगह जाएंगे मैंने कहा वाह बढ़िया अरे मैं क्या बता रहा था मैं कुछ तो अच्छी चीज़ बता रहा था ना हाँ हमारे ना अभी ना एक हमारे ना रिलेशन में एक अंकल है तो वो ना अपने किसी फ्रेंड को वो ना अपने किसी फ्रेंड को है ना कोई वीडियो वीडियो भेज रहे होंगे अपने किसी दूसरे फ्रेंड को उन्होंने फैमिली ग्रुप पर भेज दिया और वीडियो थोड़ी सी अच्छी वाली नहीं थी वीडियो थी थोड़ी सी गंदी वाली और आ गई वो फैमिली ग्रुप में मैं तो हैरान हो गया मैंने कहा मैंने कहा मासड़ ऐसा कैसा कर रहे हैं मेरी मासी के सगे मैंने कहा मासड़ को क्या हो गया जवानी जाग गई लगता है मासड़ की अब मासड़ क्या है भेजना किसी और को चाहते थे आ किसी और को गया ये भी कम्युनिकेशन है बट कहीं सी कहीं और से चला गया ये भी कम्युनिकेशन ही है ना अब भले ही उनके उनको किसी और को भेजना था भेज किसी और को दिया ट्रांसमिट हुआ इनकोड हुआ डी हो गया फीडबैक गंदा गंदा मिला अब क्या ही कर सकते हैं पूरी फैमिली ने देख ली बट अब डिलीट और उन्होंने मैंने उनको मेरे से बात हुई पहले मैंने उनको बोला डिलीट कर दो तो मैंने उनका कहा डिलीट कर दो तो मैं उनको कहा उनको आता था डिलीट करते बट उन्होंने क्या कर दिया डिलीट फॉर एवरी करना था ना उन्होंने कर दिया डिलीट फॉर सेल्फ डिलीट फॉर मी जो आता ना सेल्फ वो कर दिया अरे भाई मैंने कहा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता अब तो बेड़ा गर्ग अब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है मैंने कहा मास्टर जी अब अब एकदम तो चिल मारो अब जो हो गया हो गया छोड़ो मैंने कहा मास्टर मेरे परेशान हो गए मास्टर ने कहा यार ये क्या हरकत होगी मेरे से सो बेसिकली ये भी कम्युनिकेशन है गलती से हो गया बट हो गया क्या ही कर सकते हैं अभी सो ना वेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन पीपल कम्युनिकेशन जो है भाई ये ये पूरी पूरी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है इसकी पूरी प्रोसेस है ना पूरी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है आइडिया डेवलप करते हो सबसे पहले आप है ना आइडिया डेवलप कर रहे हो एंकोड एंकोड मतलब सामने वाले को बताते हो वो किसी भी फॉर्म में बता सकते हो ट्रांसमिट व्हाट डू मीन बाय ट्रांसमिट ट्रांसमिट मतलब सामने वाले को इंफॉर्मेशन जाती है वो उसे अंडरस्टैंड करता है मतलब वो सामने वाले उसको रिसीव करता है फिर अंडरस्टैंड करता है फिर आपको रिप्लाई फीडबैक इज ऑलवेज फीडबैक ऑलवेज मीन रिप्लाई फिर वो उसे रिप्लाई करता है और फिर आता है नॉइस 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 एक बैरियर एक्चुअली के बारे में बाद में बात करते हैं पहले ये छह पॉइंट याद रखो जल्दी से याद करना है कम ऑन अगर आ गया कम्युनिकेशन की प्रोसेस पता है वो ऐसा नहीं पूछते पूछते हैं कम्युनिकेशन की सेकंड स्टेप बताओ थर्ड स्टेप बताओ फोर्थ स्टेप बताओ तो हमको सारी स्टेप पता होनी चाहिए पहली स्टेप बोलो डेवलपिंग एन आइडिया दिमाग में आइडिया आया दूसरा एनकोडिंग एंकोडिंग मतलब मैं सोचूंगा मैं बोल बोलने को एक्सप्रेस करना है फिर मैं करूंगा ट्रांसमिट एक्चुअली बताऊंगा फिर वो करेंगे डी फिर वो रिसीव करेंगे ट्रांसमिट करूंगा मैंने क्या एंकोड एंकोड बोले तो मैंने सोच लिया किस किस फॉर्म में मेरे को करना है बोलना है मैंने ट्रांसमिट किया भेजा सामने वाले ने उसे रिसीव किया रिसीव करने के बाद में डी कोड मतलब समझा और फिर रिप्लाई दिया तो कितनी प्रोसेस हो गई छे बिल से आइडिया आया एंकोड किया ठीक है एंकोड करने के बाद में ट्रांसमिट किया ट्रांसमिट करने के बाद में सामने वाले उसे रिसीव किया उसे समझा और रिप्लाई दिया Once more, पूरी स्टेप. आया, किया, ट्रांसमिट किया रिसीव किया, समझा रिप्लाई किया करेक्ट है. मैंने दिशा so, लेटर लिखूंगा तो मैंने सोच लिया लेटर लिखूंगा मैथड डिसाइड किया ट्रांसमिशन की लेटर से मैंने डिसाइड कर लिया लेटर लिखूंगा मैंने लेटर लिख दिया लेटर भेज दिया लेटर सामने वाले को मिल गया रिसीव सामने वाले ने लेटर पढ़ लिया समझ लिया और फिर देगा रिप्लाई करेक्ट है तो ये पूरी प्रोसेस है याद रखना है कम ऑन एवरी वन याद रखना है इसको भूलना नहीं है ऐसे पूछेंगे पता है क्वेश्चन ऐसा भी आता है सेकेंड स्टेप बताओ तो बताओ सेकेंड स्टेप कौन सी है डेवलपिंग एन आइडिया एनकोडिंग इज द सेकंड स्टेप अच्छा सर एनकोडिंग और डिकोडिंग में फर्क क्या हो गया जब आप मैसेज लिख रहे हो दैट्स अ एनकोडिंग जब सामने वाला उसे समझ रहा है दैट्स अ डिकोडिंग जब आप आप मेथड आप डिसाइड कर रहे हो किस तरीके से बोलोगे दैट्स एनकोडिंग सामने वाला से समझ रहा है तो दैट्स अ दैट्सिंग पीपल सो यस ये पूरी छह स्टेप्स है याद रखना है डेवलपिंग एन आइडिया एनकोडिंग ट्रांसमिट रिसीविंग डी कोडिंग एंड फीडबैक एंड फीडबैक मेरे को बताओ ये याद हुई क्या याद करना है मैं बता रहा हूं ये ए, सीधा वो ऐसे ही पूछेंगे बता रहा हूं सेकंड स्टेप बताओ थर्ड स्टेप बताओ फोर्थ स्टेप बताओ तो याद होनी चाहिए पहली कौन सी है बोलो डेवलपिंग एन आइडिया दूसरी कौन सी है एनकोडिंग तीसरी कौन सी है ट्रांसमिट चौथी रिसीव पांचवी टी कोडिंग और फीडबैक राइट चलो वंडरफुल अच्छा नॉइस है ना बड़ा बैरियर है यार एक बहुत बड़ा बैरियर है 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 पता है? ये देखो है ना नॉइज बड़ा बैरियर है नॉइज जो है वो बहुत ही बड़ा बैरियर है हर इंसान की हर इंसान की जिंदगी में नॉइज जो है वो बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है, है ना करेक्ट है कि नहीं याद है क्या एक बार मैंने एग्जाम्पल दिया था मैं शादी में गया था किसी का कॉल आया अंकल का अंकल मेरे को बोल रहे हैं फोन काट दू मेरे को सुनाई दे रहा है पा दू मैंने कहा अंकल क्या बोल रहे हैं नॉइस नॉइस की वजह से ऐसा हुआ नॉइस की वजह से हुआ है ना अंकल पंजाबी थे मैंने कहा अंकल की हाल अंकल ने कहा चंगा मेरे को सुनाई दिया नंगा सो भाई देखो यार नॉइस की वजह से ऐसा हो जाता है नॉइस जो रहती है ना बड़ा डिस्टर्ब करती है भाई साहब नॉइस जो है बड़ा डिस्टर्ब करती है अगर नॉइस है तो ये बैरियर है नॉइस एक बैरियर है एंड नॉइस इज़ एक्चुअली अ फिजिकल बैरियर जो आपको कम्युनिकेशन होने नहीं देती है रोकती है नॉइस रहा ना तो बड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है इंसान है ना सीधी सी बात है नॉइस जो है डिस्ट्रैक्ट होता है बहुत नॉइस से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है इंसान करेक्ट ओके चलिए अच्छा नाव ध्यान देना नाव ध्यान देना दोस्त नाव ध्यान देंगे सभी लोग ध्यान देंगे सभी लोग सभी लोग सभी लोग ध्यान देंगे आपको डिसाइड करना पड़ता है आप कौन से मीडियम से भेजोगे अच्छा नॉइस के अलावा और कौन कौन से और कौन कौन से बैरियर हैं यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे बैरियर लिखे हुए हैं पहले पढ़ लेते हैं आ जाओ समटाइम्स सेंडर्स एटीट्यूड कई बार एटीट्यूड बैरियर बन जाता है आपका एटीट्यूड कैसे बैरियर बनेगा सर कुछ भी बोल रहेगा एटीट्यूड कैसे बैरियर अरे बोलने का तरीका अलग होता है ना लोगों का तो वो बैरियर बन जाता है लाइक से फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से कोई चीज़ बोलनी है बट आप एटीट्यूड से बोलते हैं तो सामने लोगों को लगता है क्या एटीट्यूड है भाई इसका काम कौन करेगा छोड़ हटा सो so, एटीट्यूड जो है ना कई बार आपका मार्क आ जाता है आपको पता होना चाहिए आपको किससे कैसी बात करनी है है ना हर बंदे से आप अच्छी बात हर बंदे से आप गंदी बात जिसके साथ जैसे है उसके साथ वैसे ही थोड़ी मतलब ऐसा नहीं है ना मैं सबके साथ ऐसे ही रहूं भाई इंसान देख के बात बदलना पड़ता है ना अरे सीधी सी मेरे सामने मेरा बॉस बैठा हुआ है मेरे सामने एक बॉस बैठे हुए हैं आशीष सर नहीं रहे आशीष सर तो अपने दोस्त है यार है, है ना बॉस मान लो मेरी कंपनी में जहाँ काम करता था बॉस बैठा हुआ है मोटू उसको मोटू बोलते थे ना एकदम मोटू ऐसे बाजू में बैठा है तो क्या मैं क्या करूँ ऐसे ऐसे उसके उसका पेट में ऐसे गुदगुदी कर दूँ गुदी 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 कर दू मैं ऐसा बॉस बैठा हुआ कर दू मैं ऐसी हरकतें कर दूँ उसके साथ में डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग चल रही है सब लोग आए हुए हैं बोर्ड मीटिंग चल रही है सारे डायरेक्टर बैठे हुए हैं तुम कंपनी सेक्रेटरी बैठे हुए हो तुम कंपनी सेक्रेटरी बैठे हुए हो है ना सारी एकदम अच्छी अच्छी बातें चल रही है बढ़िया तो फॉरेन के डायरेक्टर्स बीच में आए हुए हैं तुम्हारे साथ में सारे सब लोग बढ़िया बैठे हुए हैं तुम डायरेक्टर को बोल रहे हो किसी डायरेक्टर को बोल रहे हो अरे यार इतने गोरे कैसे हो यार कौन सा साबुन लगाते हो भिडू तुम डायरेक्टर को पूछ रहे हो फॉरेन का डायरेक्टर जिसको हिंदी आती है बोर्ड मीटिंग में तुम बोल रहे हो अरे कौन सा साबुन लगाते हो भीडू? बड़े गोरे लग रहे हो यार भाई मेरे एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कहाँ पे कैसा बिहेव करना है अगर वहां पे जहां पे आपको जैसा बिहेव करना है वहां पे आप वैसा बिहेव नहीं किया दिल वाले पुच दे ने चा ऐसा हो जाता है पता है सो so, मतलब कि इन शॉर्ट वाट लग जाती है तो इसलिए एटीट्यूड आपका बहुत मैटर करता है किस जगह कैसा रहना है देखो अभी जैसे आप हो हो सकता है आप बहुत नोटी हो बहुत ज्यादा मस्ती करते हो आप हो सकता है बहुत ज्यादा आपके अंदर उछल कूद करते हो है ना हो तो हा, हा 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 लेकिन ये सब कंपनी में थोड़ी करना है कंपनी में थोड़ी करना है कंपनी में थोड़ी बेंच के ऊपर कूद के नाच सकते हो कंपनी में थोड़ी डायरेक्टर के ऑफिस में डायरेक्टर के टेबल पे जाके बैठ सकते हो है ना बात समझ हो क्या तो बेसिकली एटीट्यूड बहुत मैटर करता है नेक्स्ट है पर्सनल प्रीजुडाइस पर्सनल प्रीज मतलब पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स अब पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक कम्युनिकेशन को बहुत अफेक्ट करते हैं देखो ना जैसे कि अब मान लो हो सकता है किसी के साथ आपको बात करना बहुत अच्छा लगता है बट इन इन सेम टाइम किसी के साथ बात करना बहुत इरिटेटिंग लगता है होता है ना सो so, कैसे होता है ये पता है क्योंकि 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 आपका लाइक और डिसलाइक वहां पे आ जाता है सो दैट इज वाई वो भी एक बैरियर क्रिएट करता है फिर सर्टेन अजम्पन्स सर्टेन अजम्पन्स मैंने एक लड़की को भेजा मैंने एक लड़की को भेजा हाय आर यू मैंने एक लड़की को भेजा हाय हाउ यू उसका रिप्लाई आया फाइन उसका रिप्लाई सिर्फ़ इतना आया फाइन बस खत्म खत्म मैंने कहा अप उसने कहा ऑल गुड ऑल गुड बस मैंने लिखा के के आर एच क्या कर रहे हो उसने लिखी के एन कुछ नहीं बस फिर मैंने लिखा के के एल खाना खा लिए उसने लिखी यस उसने लिखी यस अब मेरे को बताओ आप बताओ को बताओ मेरे को बताओ देख के क्या लगता है मैंने भेजा हाय मैंने भेजा हाउ आर यू लड़की का आया फाइन मैंने भेजा व्हाट्सअप उसने लिखी ऑल गुड मैंने लिखा क्या कर रहे हो उसने लिखी कुछ नहीं मैंने लिखा खाना खा लिया उसने लिखी यस देख के क्या लगता है बंदी भाव रही है कि कट रहा है कट रहा है आई मीन टू से कॉल कट रहा है क्या हो रहा है बताओ अब्बर सर का कॉल आ देखो अब्बर सर भी कॉल कर रहे हैं ओह स्वीट आर्ट का कॉल आया है यस स्वीट आर्ट यस बेबी यस बेबी ओके बेबी चलो ठीक है ठीक है ओके ध्यान दो ध्यान दो चलेगा चलेगा हेलो अरे बेबी का कॉल आया था अब्बर सर का कॉल आया था बेबी का गला दुख रहा है बेबी का गला दुख रहा है सो so, आज बेबी का लेक्चर नहीं हो पाएगा अपनी है ना सो so, अब्बर सर का कॉल आया था उनको थ्रोट बहुत एक्चुअली अब्बर सर का थ्रोट बहुत सेंसिटिव है एंड अभी इतने इतने दिनों से टचवुड अच्छा चल रहा था अभी उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थ्रोट में सो so बेटर है आकी आज नहीं कल से मिलेंगे क्योंकि रेस्ट हो जाएगा ना तो अच्छा हो जाएगा उनको फिर ठीक है तो कल से मिलेंगे अपन लोग है ना फॉर डाउट्स सेशन एंड ऑल अच्छा मेरे को ये बंदी का बताओ चलो मैंने लिखा हाई हाउ आई यू लड़की ने लिखी फाइन मैंने लिखा व्हाट्सअप उसने लिखी ऑल गुड मैंने लिखा क्या कर रहे हो उसने लिखी कुछ नहीं मैंने लिखा खाना खा लिया उसने लिखी यस yes. क्या बं, बंदी भाव दे रही है बंदी क्या भाव दे रही है क्या अजी क्या ही भाव दे रही है वो समझ में आ रही बात है ना क्या ही भाव दे रही है वो कुछ भाव नहीं दे रही है लड़की तो मतलब क्या है अब मैंने अपने माइंड में अजम्पन ले लिया मैंने अजम्पन ले लिया कि ये मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है अब बाद में उसका मैसेज आया एक दिन अचानक एक दिन अचानक उसी दिन मान लो रात को उसी दिन अचानक उसका मैसेज आया उसी दिन अब मैंने तो यहां पर रिप्लाई करना छोड़ दिया फिर उसी का मैसेज आया हाय हाउ आर यू कैसे हो मैंने लिखा मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया ओनली सीन सीन नो रिप्लाई नो no रिप्लाई फिर उसने लिखी हाय कैसे हो मैंने सीन छोड़ दिया मैंने अपने में एटीट्यूड कम है के है ना तो बेसिकली ना ध्यान देना मैंने अब अब वो, बंदी भाव ही नहीं दे रही थी मैंने भी सीन सीन करके छोड़ दिया फिर बाद में उसका कॉल आया कॉल करके उसने बताया अरे उस दिन तो मेरी बहन रिप्लाई कर रही थी मैं तो रिप्लाई कर ही नहीं रही थी और उसने चैटिंग डिलीट कर दी थी मुझे तो पता ही नहीं है क्या बात हुई फिर वो लड़की का मैसेज आया कि मुझे तो पता ही नहीं है नहीं तो मैं तुमसे ऐसी बात क्यों करती बेबी फिर वो बंदी ऐसी बात कर रही है तो मतलब मैंने अजम्पशन ले लिया कि वो चैटिंग कर रही है अब इसके कारण हमारा कम्युनिकेशन गैप हो गया सो कई बार आपके अजम्पशन आपकी वाट लगा देते हैं उसके बाद फ्रेम ऑफ माइंड सबका फ्रेम ऑफ माइंड अलग अलग होता है सबका फ्रेम ऑफ माइंड मतलब सोचने का तरीका सबका अलग अलग होता है सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है सबका सोचने का तरीका अलग है अब देखो ना जैसे किसी के लिए लव मैरिजेज किसी के लिए लव मैरिजेज क्वाइट गुड किसी के लिए लव मैरिज इज ऑफेंस मर्डर हो जाएगा गले कट जाएंगे तो फ्रेम ऑफ माइंड है जैसे कि अभी जो जनरली जो अपने घर वाले होते हैं कई लोग के घर वाले बड़े फ्रेंक होते हैं आ, अच्छी बात है जहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं है पार्टीज करते हो आप है ना रात के दो दो बजे आप घर आते हो एंड घर वालों के साथ पार्टीज करते हो कई लोग तो ऐसे हैं जो घर वालों के साथ ही मस्त अभी तो पार्टी शुरू हुई है है ना चार बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का बढ़िया पार्टी शार्टी करते हैं एक नंबर तो एंड कल्चर कल्चर की बात है भाई कल्चर कल्चर की बात है भैया फ्रेम ऑफ माइंड सबका अलग होता है एंड उसी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन डिफ़र करता है सीधी सी बात है ना उसी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन डिफर करता है अरे मैं ना पुणे गया अब अपने को पुणे जब मैं गया ना मेरे को ना इतना नहीं पता था कि इतना अपन गाँव के लड़के बालाघाट में पैदा हुए गाँव में रहे फिर नागपुर में रहा मैं थोड़े दिन नागपुर में रहा थोड़े दिन सो नागपुर में भी अपन यहाँ से बंदी से बोलचाल कम होता था मैं चला गया पुणे पुणे में मेरी लग गई जॉब पुणे में जॉब लग गई मेरी आ, तो हुआ क्या वहाँ पे ना जब हम लोग ऐसे ट्रेनिंग में था मैं तो ऐसे एक दिन क्या हुआ एक एक लड़की ने एक लड़की ने अपनी गाड़ी नहीं लाई थी ऑटो से आई थी तो उसने बोली मेरे को सुबह मतलब मैं जहाँ जाता था उसका घर ऑन द वे था बात हुई थी पास में बैठती थी उसने बोली मेरे को छोड़ दो मैंने कहा ठीक है छोड़ देता हूँ अब हुआ क्या कि मैं उसको छोड़ने गया जब वापसी में जा रहा था वापसी में जा रहा था उसने मेरे को हक करी उसने मेरे को हक करी सला मेरे को लगा सलाह हुआ हक कर ली लड़की ने बाद में पता चला ये तो नॉर्मल है वहाँ पे ऐसा तो चलता है फ्रेंड्स तो हक करते हैं कौन सी बड़ी बात है लेकिन गाँव में मैंटेलिटी अलग है गाँव में अगर लड़का लड़की ने हक कर लिए मान लो जैसे यहीं पर मेरे शहर में हो गया किसी का हाँ पक्का चल रहा है वीडू पक्का चल रहा है सो so मेंटेलिटी की सबकी अलग होती है मेंटली Mental, मेंटेलिटी की बात है कई जगह इट्स क्वाइट नॉर्मल कई जगह इट्स क्वाइट तो कम्युनिकेशन में सेम है कम्युनिकेशन में क्या है भाई अलग बात है है ना सो so, अलग 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 बातें हैं सो so, <laughs> ठीक है तो या, याद रखना ये वाली बात करेक्ट है एवरीवन चलिए ओके चलो तो आते हैं नाउ कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स पे, कतई इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के कितने प्रिंसिपल्स हैं आइए जानते हैं कम्युनिकेशन के कितने प्रिंसिपल्स हैं आइए देखते हैं दोस्तों है ना <laughs> आयुषी कह रही है सर आप ऐसा काम भी किए ओ वो मैंने तो बहुत गंदा काम कर दिया बड़ा गंदा काम कर दिया <laughs> <laughs> चलो अभी ध्यान देना नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखो प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नाउ ध्यान देना कि अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हो यू वॉन्ट टू डू गुड कम्युनिकेशन इन बिजनेस आप अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपके साइड से क्या रिक्वायर्ड है आपके साइड से क्या रिक्वायर्ड है ध्यान देना एवरी वन आपके साइड से रिक्वायर्ड है सात चीजें सेवन सीज बोलो क्या चाहिए आपको सेवन सीज चाहिए जल्दी से बताओ क्या चाहिए सेवन सीज चाहिए जल्दी से बताओ जल्दी से क्या चाहिए मित्रों अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हो आपको क्या चाहिए सेवन सीज चाहिए सेवन सीज टाइगर श्रॉफ आया आज लेक्चर में टाइगर श्रॉफ कह रहा है हेलो मोदी सर मैं दिशा पटनी का बॉयफ्रेंड हाँ ब्रेकअप हो गया बेटा तेरा है ना चलो भी ध्यान दो टाइगर श्रॉफ आ गया ए, कुछ भी है मतलब टाइगर श्रॉफ ला लिया दिशा पटनी ला लिया बच्चे भी ला लो मेरे ला लो मेरे बच्चे भी ला लो यहीं पर चलो ओके नाउ ध्यान जल्दी से ध्यान देंगे एवरी वन

बट यहां पे कम्युनिकेशन के लिए सात सी चाहिए आइए ध्यान देंगे पहला है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी व्हाट डू मीन बाय क्लैरिटी क्लैरिटी मतलब क्या होता है क्लैरिटी मतलब क्या होता कि कम्युनिकेशन इतना क्लियर होना चाहिए कि आपने जो भी सामने वाले को कहा उसे समझ जाए क्लैरिटी मतलब समझ में आना चाहिए सामने वाले को लाइक से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूं तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूं क्या बड़बड़ा रहा हूं तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है तो वो क्या है क्लैरिटी नहीं है क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि आंसर इज डेफिनेटली यार क्लैरिटी के बिना कैसे चलेगा क्लैरिटी के बिना कैसे चलेगा क्लैरिटी के बिना कैसे चलेगा मैंने किसी लड़की से पूछा क्या आपका बॉयफ्रेंड है लड़की कहती है हाँ है भी और नहीं भी था पर अभी है पर पहले था पर अब तो नहीं था बट अभी है शायद और अभी तो है अबे क्या बोल रही है है कि नहीं है हाया नामे आंसर दे पहले तो था अभी तो है होगा कि नहीं होगा अभी तेरा कम अभी हाया नामे आंसर देना तू क्लैरिटी के साथ आंसर दे क्या बोल रही क्या पागल कर रही तू सो so ध्यान देना क्लैरिटी मतलब है जो आप कह रहे हो ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो सामने वाले को समझ में आए है ना ऐसे वर्ड शब्द होने चाहिए जो सामने वाले को समझ में आए ऐसे फेज होने चाहिए ऐसे फेज होने चाहिए जो सामने वाले को समझ में आएँ अब वर्ड फेज और सेंटेंस में क्या फर्क है पहले ये समझ लो मैंने लिखा द तो ये एक वर्ड है

फ्रेज 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 क्या होता है फ्रेज होता है जब सेंटेंस कंबाइंड नहीं है एक हाफ मीनिंग दे रहा है लाइक like मैंने लिखा मैं uh, लाइक like मैंने लिखा रिया इज लाइक मैंने लिखा यू ऑल आर मैंने तब इतना बोल के छोड़ दिया यू ऑल आर आगे कुछ नहीं बोला तो दिस इज फ्रेज और मैंने लिख दिया यू ऑल आर सो स्वीट तो ये क्या बन गया सेंटेंस तो चाहे कोई शब्द हो चाहे कोई फ्रेज हो ऐसे उसमें ऐसे ऐसे आपको चूज करना है जो ब्रीफ हो ब्रीफ मतलब शॉर्ट एंड स्वीट हो एक्विंटेड हो एकविंटेड मतलब सामने वाले को जान सामने वाला उसे जानता है एफर्टलेस हो सामने वाला उसे समझ सकता है ऐसे आपको वर्ड्स ऐसे फेज चूज करने हैं जो बेसिकली कन्वर्जेशनल हो पोएटिक ना हो पोएटिक मतलब ऐसे वर्ड्स जो नॉवेल्स में यूज़ होते हैं पोएम्स में यूज़ होते हैं वो वर्ड जनरली समझ नहीं आते तो ऐसे शब्द चूज करना है जो सामने वाले को समझ में आए ऐसे पैराग्राफ बनाना है जो सामने वाले को समझें ऐसा ग्रामर यूज करना है जो सामने वाले को समझ में आए ऐसे एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल्स डालने हैं जो सामने वाला जिसको देख के अच्छे से समझ जाए अच्छा कौन से शब्द चूज करना है ध्यान देना कौन से शब्द चूज करना है कौन से शब्द चूज करना है जल्दी बताओ कौन से शब्द चूज करना है जल्दी से बताना टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए कि ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो हर कोई समझ सकता है कम ऑन टेल मी कैसे शब्द होने चाहिए जल्दी बताओ जल्दी बताओ कौन से शब्द होने चाहिए कौन से राजीव यादव पढ़ाई पे ध्यान दे चलो जल्दी बताओ <laughs> जल्दी बताओ कैसे शब्द होने चाहिए ऐसे शब्द होने चाहिए जो आ, ऐसे शब्द होने चाहिए जो नॉर्मल हो सबको समझ में आए कि सिंपल होने चाहिए वर्ड्स की बहुत ज्यादा टेक्निकल होने चाहिए देखो टेक्निकल वर्ड्स को कहते हैं जारगोन टेक्निकल वर्ड्स को कहते हैं जारगोन जारगौन टेक्निकल वर्ड्स को कहते हैं झारखंड झारखंड मतलब क्या होता है बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स मतलब कि जैसे जो डॉक्टर्स जो बात करते हैं एकदम अपनी बायो, बायोलॉजी में बायोलॉजी की लैंग्वेज में तो वो होगा जारखंड सी एस बात करते हैं लीगल लैंग्वेज में इट्स अ जारगंड है ना सो so, झारखंड मतलब टेक्निकल वर्ड्स तो मेरे को बताओ जब आप किसी से बात कर रहे हो तो टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए कि जारगौंड मतलब कि झारखंड होना चाहिए कि सिंपल वर्ड्स तो झारखोंड नहीं होना चाहिए टेक्निकल झारखंड मतलब टेक्निकल वर्ड्स नहीं होने चाहिए सिंपल वर्ड्स होने चाहिए स्टे अवे फ्रॉम टेक्निकल वर्ड्स फेज एंड ऑल्सो जारकों झारकों मतलब ये भाई कि जो बेसिकली uh, जैसे कि मैं सी में जो लीगल मैक्सिम्स होती है जो आपने मैक्सिम्स पढ़ी ना अभी बहुत सारी अरे पढ़ी ना मैक्सिम की नहीं पढ़ी आपने मैक्सिम मैक्सिम पढ़े कि नहीं आपने बताओ आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था बताओ एक्टस नॉन फेसिट्रीमेंटरिया पढ़ा था ना ये मैक्सिम क्या है ये एक जारकोन्ड लैंग्वेज है ये ये हर कोई को नहीं समझती तो ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करना है ऐसी लैंग्वेज यूज करना है जो सबको समझे है ना ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना है जो सबको समझे करेक्ट है सो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या कहता है समझ में आया कम्युनिकेशन करते वक्त प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या कहते हैं आप सभी जान गए है ना एकदम इजी है कि ऐसे शब्द यूज करो जो सबको समझते हैं सामने वाले को भी समझता है सामने वाले के सामने ऐसे बातें ना करो जो जो उसको समझती नहीं है है ना तुम अपनी तुम अभी तुम सी एस कर रहे हो मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है वो सी एस नहीं कर रहा है तुम्हारा कोई फ्रेंड है वो सी एस नहीं कर रहा है अब तुम उनसे बात कर रहे हो एकदम लीगल लैंग्वेज में तुम एकदम उससे लीगल लैंग्वेज में बात कर रहे हो तुम उसको कह रहे हो तुम तो उसको लीगल uh, मैक्सिम्स में मैक्सिम maxim मैक्सिम सुना रहे हो है ना थोड़े से टेक्निकल वर्ड उसके सामने झाड़ रहे हो उसको समझेगा क्या नहीं तो ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं करना है वेग वर्ड वेग मतलब अनक्लियर वर्ड नहीं होने चाहिए क्लियर वर्ड रखो सिंपल वर्ड रखो ऐसे वर्ड रखो जो सामने वाले को समझे इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या कहते हैं मुन्ना प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी अच्छा नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस मेरे को बताओ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बतानी है कि पूरी बतानी है जल्दी बताओ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बतानी है कि पूरी बतानी है जल्दी बोलो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बतानी है कि पूरी बतानी है जल्दी बताओ चलो क्या करने का है जब किससे बात कर रहे हैं आधी बात बतानी है कि पूरी बात बतानी है आधी की पूरी आधी की पूरी आधी बात बतानी कि पूरी और ये सीधी सी है ना यार सीधी सी ना यार जब आप किससे बात करते हो उसको आधा अधूरा बताओगे तो कैसे चलेगा पूरा बताना है ना ऐसे थोड़ी चलेगा आधा अधूरा बता दिए है ना आप जैसे मान लो से फॉर एग्ज़ाम्पल यार अब मान लो आप किसी से मिलने गए आप ना क्या किए आप किससे मिलने गए एंड आपके सामने वाला जो पार्टनर था आपके सामने वाला जो पार्टनर था ना उसने आपसे कुछ बातें पूछा कुछ बातें पूछा उसने पूछा ड्रिंक करते हो आपने कहा अब आपने क्या बोल रहे हो हाँ या ना जवाब दो ना उसको पूरा बताओ करते हो नहीं करते हो जो करते हो बताओ उसको है ना अब मान लो से फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने पूछा तुमको कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी थी तो कितनी थी थी तो कितनी थी देखो आपने बताया आपने आंसर दिया बंदा कोई था उसने आंसर दिया देखो गर्लफ्रेंड्स तो थी बट अच्छी नहीं थी अबे सामने वाले ने तेरे से पूछा कितनी थी कैसी थी जो थी सच सच बता तू बता रहा है थी बट अच्छी नहीं थी अबे कितनी थी ये तो बता कितनी थी ये तो बता अब मान लो मेरे मैं किसी लड़की को देखने गया मैंने कहा आपका किसी के साथ रिलेशन है तो अभी बता दो मेरे को मैंने लड़की को कहा आपका किसी के साथ रिलेशन है तो अभी बता दो मैं रिश्ता अभी कैंसिल कर दूंगा पता चला आप शादी के बाद किसी और के साथ भाग गए अब पता चला आप शादी के बाद किसी और के साथ भाग गए मेरे तो लग जाएंगे ना जिंदगी में तो बंदी जो है वो मेरे को आधी अधूरी बात बताई उसने क्या बोली कि मेरा ना फ्रेंड है मेरा ना फ्रेंड है मेरा ना फ्रेंड है बस इतना बोली तो मेरे को क्या लगा मेरे को क्या लगा कि उसका फ्रेंड है ठीक है फ्रेंड तो सबके होते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट ये नहीं उसने पूरा नहीं बताई आधी बात बता के छोड़ दी ये नहीं बताई कि वो फ्रेंड उसको बहुत अच्छा लगता है वो उसके साथ घूमती फिरती पार्टीज करती है अब मेरी बीवी शादी हो गई है रात को पार्टी करने अपने फ्रेंड के साथ जाती है रोज सैटरडे संडे उसके साथ मनाती है कई बार तो आतीच नहीं है मेरा दर्द किसको बताऊं मैं इधर जाऊं मैं आधी अधूरी बात बताई थी ना मेरे को देखो कितनी बड़ी जिंदगी की वाट लग गई मेरी तो इसलिए कभी भी किसी को बताओ तो पूरा बताओ आधा अधूरा मत छोड़ो है ना सो इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट रिक्वायर ऑडियंस बता रहे हो तो पूरा बताओ आधा अधूरा छोड़ो मत बता रहे हो तो पूरा बताओ आधा अधूरा छोड़ो मत करेक्ट है एवरीवन सो बेसिकली याद रखना है जब आप किसी को बताते हो पूरा बताओ जब पूरा बताओगे आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी है ना पूरा बताओगे सो आपको यार एक ही बार बता रहे हो पूरा बता दो लाइक बिजनेस में भी एक ही बार बताना है पूरा बता दो लाइक सिर्फ एग्जाम्पल किसी शेयर होल्डर को लेटर लिखना है आधे एक लेटर में लिख रहे हैं आधी इन्फॉर्मेशन दूसरे लेटर में लिख रहे हैं आधी इन्फॉर्मेशन तीसरे में लिख रहे हैं अब एक कैसे चलेगा पैसा कितना खर्च होगा एक साथ पूरा लिख दो एक ही लेटर में काम हो जाएगा ना पैसा भी तो कम खर्च होगा ना सो ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना मुन्ना उसके बाद कंप्लीट इंफॉर्मेशन से हमेशा सामने वाले को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आते लाइक मैंने किसी लड़की को बोला मैंने किसी लड़के को बोला तुम्हें क्या क्या पसंद है बताओ उसने सब लिस्ट बना के दे दी उसे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता कौन पसंद है कौन पसंद नहीं है क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है तो भाई साहब जब लड़की ने पूरी लिस्ट बना के दे दी क्या पसंद है क्या नहीं पसंद मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं है अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो कंप्लीट इंफॉर्मेशन से आप डिसीजन अच्छे ले लेते हो और हमेशा ऑडियंस खुश रहती है आपकी तारीफ करती है सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंसाइसनेस वॉट डी मीन बाय कंसाइसनेस वॉट डी मीन बाय कंसाइसनेस कंसाइसनेस मतलब क्या होता है ध्यान देना कंसाइसनेस मतलब होता है शॉर्ट एंड स्वीट कंसाइसनेस मतलब होता है शॉर्ट एंड स्वीट कंसाइसनेस मतलब क्या होता है शॉर्ट एंड स्वीट तुमने मुझे पूछा पता है <improv importante> तुमने मुझे बोला huh? तुमने मुझे पता है क्या बोला सर आपकी कहानी सुनाओ मैंने कहा क्या कहानी सुनाओ आपने कहा सर आपकी कहानी सुनाओ आप कैसे सी एस बने आप कैसे सी एस बने तो मैं पता है तुम्हें सुना रहा हूँ पता है मैं जब पैदा हुआ तो मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ वो सर क्या बात बोले जब मैं पैदा हुआ मैं उस समय बहुत रो रहा था फिर जब मैं ना थोड़ा बड़ा हुआ मैंने चलना सीखा फिर जब मैं और थोड़ा बड़ा हुआ मैं स्कूल जाने लगा मैं स्कूल में ए बी सी डी सीखा करता था वन टू थ्री फोर सीखा करता था फिर मैं और बड़ा हुआ मैंने और अच्छे से बोलना सीख लिया मेरे फ्रेंड्स बने फिर हम मैं ना जब छोटा बच्चा था बहुत मस्ती कर अबे सर तुम्हारे से क्या पूछे हमने आप सी की जर्नी बताओ अबे तो क्या क्या बता रहे हो आप आप क्या बता रहे हो क्या बता कह रहे हो पागल हो गए क्या सर गांजा वांजा वांझा लियोगे आज क्या गांजल के बैठे हो क्या क्या भूल हो सर मतलब कुछ भी पैदा हुए छोटे बच्चे थे क्या करते थे क्या नहीं करते थे सर हमारे को क्या करना है सीएस की जर्नी बताओ भाई आपसे पूछे सीएस कैसे बने आप इतना बताओ बचपन में कहा चले गए छोटी चट्टी पहनते थे बड़ी शरारत करते थे सब बताने लग गए आप तो अरे आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी इसलिए कंसाइस बताओ कंसाइस मतलब होता है शॉर्ट एंड स्वीट अरे इतना लंबा चौड़ा किसके पास टाइम है सुनने का तेरा कि तू कब पैदा हुआ किधर था किधर किधर ने क्या किया क्या नहीं किया किधर जाता था किधर आता था सी एस की जर्नी पूछा सी एस की जर्नी का पता खत्म निकल तो कंसाइस कंसाइस मतलब शॉर्ट एंड स्वीट लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स कम से कम कम से कम शब्दों में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो है ना कम से कम कम से कम वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो इसे कहते हैं कंसाइसनेस इससे टाइम भी बचेगा इससे पैसा भी बचेगा इससे आप अननेसेसरी

ओके okay, ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए आज का लास्ट करेंगे बाकी के कल पढ़ेंगे फिर आ जाओ आज का लास्ट प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस आज का लास्ट करेंगे फिर इसके बाद में बाकी का लेक्चर हम कल करेंगे ठीक है दोस्तों आज के लिए फिर हम डन करेंगे एंड कल से डाउट सेशन भी शुरू हो रहे हैं कल से आपका हर रोज रात को दस बजे मतलब जो स्केड्यूल चलता था नॉर्मल शाम को छः बजे तक वो तो चलेगा रोज़ रात को दस बजे एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे रोज रात को दस बजे रोज तो आपको आना है परिवार आना है मस्ती करेंगे मजे करेंगे पढ़ाई भी करेंगे रोज रात को दस बजे एमसी क्यू सॉल्विंग होगी मिस कतई नहीं करना अच्छा लास्ट एक बार ये वाला पढ़ लेते हैं फिर आज का कर डन करेंगे बाकी के दो प्रिंसिपल तीन प्रिंसिपल बचे हैं वो कल कंप्लीट करेंगे ध्यान देना प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस व्हाट डू यू मीन बाय कंक्रीटनेस कंक्रीटनेस मतलब होता है कंक्रीटनेस मतलब होता है एग्जैक्ट कंक्रीटनेस मतलब क्या होता है बोलो एग्जैक्ट स्पेसिफिक कंक्रीटनेस मतलब होता है स्पेसिफिक स्पेसिफिक आपने मुझे पूछा सर कितना कमा लेते हो आपने मुझे पूछा सर कितना कमा लेते हो मैंने कहा इतना तो कमा ही लेता हूँ दाल रोटी चल रही है मैंने कहा दाल रोटी चल रही है आपने कहा सर सच सच बताओ कितना कमा लेते हो कितना कमा लेते हो तो मैंने कहा कमा लेता हूँ ठीक ठाक ठीक ठाक कमा लेता हूँ आपने मुझे सर सच सच बताओ कितना कमा लेता हूँ मैंने कहा अच्छा खासा कमा लेता हूँ आपने कहा सर सच सच बताओ कितना कमा लेता हूँ मैंने बहुत अच्छा कमा लेता हूँ मैं आपने कहा सर कितना कमा लेते हो बता रहे हो कि नहीं मैंने कहा मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ अरे भाई तेरा बहुत अच्छा ठीक ठाक दाल रोटी चल रही है ये सब हमें को नहीं समझेगा एग्जैक्ट बताना ना अरे कितने लाख कमाता कितने हजार कमाता एग्जैक्ट टेल मी एग्जैक्ट आपने बोला दिस इज कंक्रीटनेस आप सामने वाले को लिख रहे हो मैं आज अच्छा खासा खुश हूं अब अच्छा खासा मतलब प्रॉपरली लिखना खुश है कि नहीं है ये अच्छा खासा खुश हूं क्या होता है, है ना मतलब कि तू दुख भी है थोड़ा तेरे में कंक्रीटनेस एग्जैक्ट बताओ इसको ना फजी मत रखो फजी मतलब क्या होता है फजी मतलब ऐसा आधा अधूरा फजी मतलब आधा अधूरा है ना आधा अधूरा लाइक से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल यार आपने किसी को गिफ्ट भेजा आपने उसको पूछा कैसा लगा तेरे को उसने बोला अच्छा ही है अबे अच्छा है या नहीं है ये बता अच्छा ही है क्या होता है तेरा मतलब तो इन शॉर्ट जब आप किसे बात करते हो कंक्रीट करो एग्जैक्ट कितना एग्जैक्ट बताओ कैसा एग्जैक्ट बताओ अच्छा लगा नहीं लगा क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जैक्ट बताओ या, ये ना ये मत रखो यार ये ऐसा ठीक ठाक एग्जैक्ट जैसे फैक्ट्स हैं कोई फैक्ट्स फिगर्स हैं कोई एकदम एग्जैक्ट बताओ कोई सच है एग्जैक्ट बताओ फिगर है एग्जैक्ट बताओ आधा दूर मत करो इसमें हमेशा क्लियर बताओ इससे सामने रेपुटेशन बढ़ेगी और इन, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा है ना मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा जैसे आपने पूछा सर सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है मैंने कहा क्या ही बताऊ यार अभी ये क्या मतलब होता है तेरा है कि नहीं है ये बताना मैंने कहा साफ साफ नहीं है तो ये ऐसे बोलो ना नहीं है ये क्या होता है क्या ही बताऊं यार तो इस इन शॉर्ट कंक्रीटनेस मतलब फजी मत रहो राधर देन बेसिकली फजी एंड जनरल आप एकदम पर्टिकुलर रहो पर्टिकुलर मतलब एकदम सच सच जो जो है फटाफट बता दीजिए सो ओके सुमन कटारिया रही है डेढ़ लाख है अभी डेढ़ लाख में क्या ही होता है आजकल डेढ़ लाख में क्या होता है डेढ़ लाख तो यार कुछ भी नहीं है इट्स पीनट आजकल क्या बात करते हो बीस पच्च, पच्चीस लाख <laughs> महीने के कमा लेते अपन पच्चीस तीस लाख चालीस लाख पचास लाख एक, एक करोड़ आ जाते हैं महीने के ज़्यादा नहीं एक करोड़ महीना बस बस ज़्यादा नहीं यार साल के बारह करोड़ बस जस्ट किडिंग गाइस अरे यार अभी तो आसमान छू अपन अपन लोगों को साथ में एकदम आराम से चले यस yes एवरीवन आज के लिए डन करेंगे थैंक यू सो मच आई लव यू ऑल एंड आई रियली इट आई मीन इट Uh, दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों कम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे अपन एकदम टाइम पे जा रहे हैं कोई एकदम अपने को हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है।, है ना तो आप एकदम रिलैक्स हो जाओ एकदम रिलैक्स हो जाइए एकदम हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है एंड हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट uh, है कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा मिला के मैं आपका कोर्स जो है मैंने टारगेट लिया है मैं करा दूंगा फिफ्थ ऑफ नवंबर तक आई हैव टेकन अ टारगेट पाँच नवंबर तक मैं करा दूंगा करंट अफेयर्स छोड़ के करंट अफेयर्स दस नवंबर तक आपका मैं करा दूंगा उसके बाद मैराथन लेक्चर सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी इस बार दिवाली कब आ रही है आई थिंक दिवाली आ रही है फोटीन को फोर्टीनथ को दिवाली है सो so उसके पहले पहले हम पूरा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेंगे बेहतरीन तरीके से है ना सो यस एवरी सो यू सो मच आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच एवरी वन बट यार अभी देखो पढ़ाई आपकी साइड से बहुत ज़रूरी है एंड uh, कई लोग हैं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कई लोग हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बट आई डोंट नो वाई आई डोंट नो वाई क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता बट यार प्लीज़ यार ऐसे ना करो यार क्या है ना कि एक फेज़ आता है हर इंसान की लाइफ में और वो फेज कई बार ऐसा होता है वो लाइफ टर्निंग होता है, है वैना से लाइफ टर्निंग इसका क्या मतलब है कि ऐसा फेज आता है जिससे आपकी जिंदगी बदल जाती है और मैं सच्ची कह रहा हूं वो ये फेज आपका अभी चल रहा है तो अभी जितना 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 देखो यार आप लेक्चर्स में इसी तरीके से पढ़ाते हैं हम लोग कि आप बोर ना हो लेक्चर्स में सो so आप पढ़ाई करते करते यार अगर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो आप लेक्चर्स भी देखते हो लेक्चर्स आप इंजॉय करते हो बराबर है सो so ना दोस्तों बस आपसे एक ही चीज रिक्वायर्ड है एक ही चीज रिक्वायर्ड है दैट इज सेल्फ स्टडी प्लीज़ यार प्लीज़ आपको पढ़ना है जी जान लगानी है देखो यार टीचर्स आपके लिए इतना कर रहे हैं आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना कर रहे हैं है ना टीचर्स तो चलो ओके पेरेंट्स कितना करते हैं पेरेंट्स के मुकाबले तो कोई है ही नहीं ना टीचर्स भी नहीं आते जहाँ पेरेंट्स आते हैं वहाँ तो कोई भी नहीं आता है सो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितना किया हुआ है दोस्त कितना किया हुआ है सो उनके लिए करना है है ना फैमिली के लिए करना है वी हैव टू डू और अब फैमिली राइट सो अब एक जुनून होना चाहिए दिल के अंदर कि नहीं यार आज अब करके दिखाना है जीवन में अब करके दिखाना है बहुत हो गया यार कि यार अपने को बस अब बस सारी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है अब जिंदगी की सो तो उसके लिए मेहनत करना है दो तीन साल और अभी तो ये फेज जो है पहली स्टेज है पार कर लोगे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा ज़बरदस्त मैं कह रहा हूं आपका एक ये हो जाएगा कि यार हाँ आप सी एस कर लेंगे आराम से निकल जाएगा बस ये है कि पहली स्टेज है थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दो अच्छे से ध्यान दे दो हम तो बने हैं आपके साथ आप भी बस साथ दो लगे रहो मुन्ना एंड देखो फिर मैं कह रहा हूँ जिंदगी ऐसी सवरेगी ना आपको ऐसा लगेगा यार वाओ मतलब यू विल फील जस्ट लाइक वाओ एंड मैंने ऐसे देखे हैं लोग यार ऐसे लोग देखे हैं जो देखो हर इंसान ऐसा नहीं होता कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत शुरू से ही बहुत खानदानी रही से है ना अब जैसे मेरी बात करूँ इतना इतना नहीं था ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही पैसा है घर पर अच्छा खासा ठीक ठाक चलता था तो घर चल जाता था आराम से मतलब ऐसा है कि एकदम नॉट दैट मच नॉट ऑल्सो दैट मच मतलब ठीक ठाक मिडिल क्लास बट लेकिन उसके बाद मैंने देखा यार सारे सपने कैसे पूरे होते हैं अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं आपको है ना सो वो कैसे होता है ना जब आप एक बार अपनी मेहनत कर लेते हो ना उसके बाद हर एक चीज धीरे 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 स्टीम लाइन हो चले जाती है बस थोड़ा सा समय लगा दो लगा दो कर लो थोड़ी सी मेहनत एंड फिर देखो यार लाइफ बदल जाएगी मैं कह रहा हूँ लाइफ बदल जाएगी एंड फिर जिस दिन आप पास हो गए ना उस दिन देखना क्या खुश होंगे आप आपके घर वाले एवरी वन एंड फिर वहाँ पे ना आपने देखो यार आज तक हमने अपने घर वालों को दिया ही क्या है आपने क्या ही दिया है वॉट यू हैव गिवन टू ए मोम डेड मोम डैड को गिफ्ट दे दिया क्या लगता है उसमें ममा पापा बहुत खुश हो जाते हैं बहुत होते हैं बट जब एक बार आप सी बन जाओगे ना जब आप सी एस क्लियर कर लोगे ना वो ऐसी खुशी होगी ना जो आज तक आपने, अपने अपने मम्मी पापा को नहीं दिया आज तक नहीं दिया मतलब वो खुशी वो चाहते हैं हमारे घर वाले क्या चाहते हैं जिस दिन मैं सी बना ना मेरे घर वालों को क्या चाहिए क्या चाहिए बच्चा सी बन गया ऑब्वियसली उसके बाद तो बस अपन है ही ना अपने माँ बाप के साथ ही अपन तो जीवन भर लेकिन हमारे माँ बाप चाहते हैं बस एक बार आप सेट हो जाओ तरक्की पा लो यार बाकी जीवन में देखो पापा अपना कितनी मेहनत करते हैं यार मतलब जो डैड रहते हैं मतलब ऐसा रहता है कि कितनी मेहनत करते हैं अपने पापा लोग कितनी मतलब मैं देखता हूँ यार सुबह से जैसे मेरे डैड की बात करता हूँ दुकान जाते हैं फिर थके हारे घर आते हैं फिर थके हारे एकदम पूरा दिन भर फिर उसके बाद में फिर भी अपने लिए करते हैं आज भी ऐसे मैं भी देख रहा था जैसे मम्मा ऐसे ना कैलकुलेट कर रही थी मैंने ऐसे आज मैं कुर्ता पहना था देखा था सुबह तो ऐसे कुर्ता जैसे देख रहा था ममा आज मैंने कहा कुर्ता पहनूंगा ऐसे ही पास मूड हुआ तो मम्मा देख रही थी मम्मा ने कहा तेरे पास कुर्तों की लिस्ट देख बारह पंद्रह कुर्ते पड़े तेरे पहनता एक नहीं है तू मम्मा ने मम्मा से मम्मा ऐसे निकाल रही थी पूरे तो ऐसे मम्मा ने बोली तेरे पापा को देख तेरे पापा के पास अभी सिर्फ दो कुर्ते हैं और वो भी ये इनको बोल रही हूँ अच्छा खासा एक ले लो ले नहीं रहे मतलब देखो अपने माँ बाप कैसे हैं आपकी सारी खुशी पूरी करते हैं आपकी सारी खुशी पूरी करते हैं एंड आपकी सारी खुशी पूरी करते हैं चाहे उनकी हो ना हो है ना चाहे उनकी होना हो मम्मा जो है खाने के लिए कितना करती है अभी मेरी मम्मा एप्पल लेके जा पानी लेके जा तू फ्रूट्स लेके जा रात में मैं सो रहा हूँ मेरे को पक्का मम्मा अनार देगी अनार खा सुबह उठूंगा पहले सबसे पहले दूध पी उसके बाद ही लेक्चर लेना जो मैं आपका पहला लेक्चर लेता हूँ जिस दिन दूध नहीं पीऊंगा डांट पड़ेगी मेरे को मतलब कितना केयर करते हैं अपने मॉम डैड की खाने पीने में बोलो डैड को बोलो तो एवरी थिंग आपके ड्रेस ड्रेस बोलो आपका फ़ोन बोलो आपके जूते चप्पल आपको जो चाहिए टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम पूरा उन्होंने करके दिया है बस आपसे एक ही चीज़ है कि बस उनको क्या करना है आपको यार खुश करना है और वो बस लग जाओ मेहनत कर लो एंड फिर देखो यार ज़िंदगी संवर जानी है आपकी आपकी फैमिली की सब लोगों की सब लोगों की ज़िंदगी संवर जानी है एंड यार बस एक ही चीज़ है यार बस कर लो दोस्त कर लो दोस्त एंड फिर बस हो जाएगा आपका जीवन सफल है ना क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था सीएस बनने के बाद में यार उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है बिकॉज मेरा एक फ्रेंड ही था नागपुर से था एक बंदा ना उसके बारे में बताना चाहता हूँ आप लोग एक नागपुर से एक बंदा था आ, यार झोपड़ी होती है ना झोपड़ी झोपड़ी में रहते थे वो लोग बारिश के समय में बारिश के समय में उनके किचन में पानी होता था बेड है ना बेड बेड में पानी ऐसा पानी बहता था बारिश के समय में वो कोचिंग क्लास आता था ना तो मैं उसके एक बार ही घर गया था फ्रेंड अच्छा का फ्रेंड बन गया था कोचिंग लगाया था उसने फीस भी कैसे भरा था पता है उसकी मम्मा ना बर्तन लोगों के घर जो बाई बाई थी उसकी मोम बर्तन मांझा करती थी एंड वो बंदा सीएस कर रहा था मेरे साथ का है uh, दोस्तों यार एंड आई फील सो प्राउड आई फील सो प्राउड उसने उसने एग्जैक्यटिव में एग्जैकटिव में ऑल इंडिया रैंक फाइव लाया प्रोफेशनल में पहली बार में वो नहीं निकल पाया दूसरी बार में दूसरी बार में उसने ऑल इंडिया रैंक एटीनथ लाया आज एक मुंबई में अच्छी खासी जॉब कर रहा है मंथली सैलरी इज़ अप्रॉक्स नाइन्टी थाउजेंड पर मंथ अप्रॉक्स ज़्यादा ही होगी मैंने सुना था नाइन्टी थाउजेंड थोड़े दिन हो गए उसके मॉम डैड को उसने मुंबई लेके चला गया है उसकी मॉम डैड को उसने वहाँ पे मुंबई में छोटी सी शॉप खोल के दे दिया है वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं सो so, छोड़ो वहाँ से कहाँ लाइफ हो गई एंड वो बंदे की वह मेहनत है सो so, बस यही है यार जिंदगी संवार देती है एक छोटी सी मेहनत जिंदगी संवार देती है सिर्फ आपकी नहीं पूरे परिवार की है ना आपकी मेहनत नहीं सवरती पूरे परिवार की मेहनत सवरती है एंड ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप खुश होगे आप सीएस बन जाओगे आपकी पूरी फैमिली सीएस बन जाएगी पता है क्योंकि एक बच्चा भी घर पे पड़ जाता है ना तो पूरी फैमिली पूरी फैमिली सवर जाती है दोस्त एंड मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है समझी है फील की है इसलिए मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ है ना अब्बर सर सेम अब्बर सर तो बीच में जब आए थे ना मतलब ऐसा था कि उनकी फैमिली में भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ वो बंदा इतना हार्डवर्क किया है अब्बर सर ने इतना हार्डवर्क मेरे से पहले से पढ़ा रहे हैं वो इतना हार्डवर्क किया मेरे से पहले ही सी एस बन गए थे वो एक साल एंड uh, इतना हार्डवर्क किया है वो बंदे ने यार मैं कह रहा हूँ उनका मतलब ऐसा था कि उनका घर खुद का नहीं था उन्होंने खुद का घर लेके दिया अच्छा जहाँ रहते हैं शिरूर में पुणे में उन्होंने फ्लैट ले लिया अभी सर जो है अभी कुछ कमी नहीं है पापा उनके डैड का बिजनेस सेट किया हुआ है सो so, यार धीरे 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 सब होता है बस मेहनत है और कुछ नहीं है आपके सामने कितने सारे लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जस्ट ये आपको मैं फील करवाना चाह रहा हूँ कि बस थोड़े से समय की बात है थोड़े से समय की बात है थोड़ा लग जाओ जिंदगी बन जाएगी जिंदगी बन जाएगी अपनी नहीं कम से कम जिन्होंने हमारे लिए जीवन भर सब कुछ सौंपा है जिन्होंने सब कुछ अपना न्याछावर कर दिया है मॉम डैड सब कुछ दे दिया यार क्या छोड़ा उन्होंने क्या छोड़ा सब तो दे डाला क्या अब आप क्या सोचते हो ना कई लोग फिर भी बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे को डांटते हैं ये करते हैं अरे तुम्हारे लिए तो बोलते हैं किसके लिए बोलते हैं किसके लिए बोलते किसके लिए हैं सब तो तुम्हारे लिए है ना फिर भी कई लोग अपने डैड को गंदा बोलते हैं मॉम को गंदा बोलते हैं दोस्त के सामने चलते हैं कि मेरे को कहीं जाने नहीं देते आने नहीं देते अरे किसके लिए बोल रहे हैं भाई किसके लिए बोल किसके लिए रहे वो क्या चाहते हैं क्या कि वो तो अच्छा ही चाहते हैं ना तुम्हारा वो इसलिए चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए लेट नाइट क्यों मना करते हैं निकलने को इसलिए मना करते हैं क्योंकि सही नहीं है ऑब्वियसली सबको पता है कांड होते रहते हैं कई बार लड़ाई झगड़े मार धाड़ कुछ भी हो जाता है इसलिए मना करते हैं वो क्यों नहीं अभी कोरोना में बाहर निकलने देते क्योंकि आपको आपका आप डर है उनको सो हमारे लिए सब सोचते हैं करते हैं हमारे लिए पापा पैसे किसके लिए कमा रहे हैं हमारे लिए मॉम किसके लिए दिन भर काम करती है हमारे लिए घर संभालती है हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं भाई ये बताओ हम क्या कर रहे हैं वट वी आर doing? हम क्या कर रहे हैं दिन भर फोन चला रहे हैं पबजी खेल रहे हैं अपने क्रश से बात कर रहे हैं अरे भाड़ में गई वो क्रश भाड़ में गई वो क्रश जिससे माँ बाप का दिल दुखता है सच्ची कह रहा हूँ जिंदगी भर याद रखना भाड़ में गया वो क्रश में कह रहा हूँ जिससे हमारे माँ बाप का दिल दुख रहा है भाई है ना अगर अपने मम्मी पापा हमारे से किसी चीज से निराश हो रहे हैं किसी के चक्कर में तो वो तो चक्कर में पड़ो ही नहीं बाबू वो चक्कर में तो पड़ो ही नहीं अक्ल ला लो अभी अभी तो करना ही नहीं है वो सबसे जिंदगी में सबसे पहले वो थे वो हैं वो रहेंगे तो बस लग जाओ बात किस दे, देरी किस बात की है यार देरी किस बात की कब कब अपने अपने अकल ठिकाने आएगी है ना कब अपनी अकल ठिकाने आएगी अब तो बस बहुत हो गया ना तो अब बस आपसे यही एक्सपेक्टेशन है एक महीना बचा हुआ है इक्कीस तारीख हो जाएगी कल इक्कीस तारीख को आपकी एग्जाम है मेरे को आप सबसे प्रॉमिस चाहिए आप फालतू का अननेसेसरी टाइम पास नहीं करोगे मेरे को आपसे बस एक प्रॉमिस चाहिए डेट्स एट आप फालतू का फालतू का टाइम पास बिल्कुल नहीं करोगे ये प्रॉमिस कर दो मेरे को एक आप ना भा चलो मूड रिलैक्स करने के लिए गाने सुन लो बिल्कुल गाने सुनो मैं भी सुनता था मूड रिलैक्स करने के लिए मैं अच्छे अच्छे गाने गोविंदा के सुनता था मैं तो गोविंदा के सुनता था मैं तो रास्ते से जा रहा था ना तो रोतलू गाने मत सुनना ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे रोतलू गाने मत सुनना मैं कह रहा हूँ मूड और डिप्रेस होता है याद आती है रोतलू गाने मत सुनना मैं कह रहा हूँ अच्छे एकदम कोका कोला तू ऐसे गाने सुनना मतलब ऐसे एनर्जेटिक वाले गाने सुनना जिससे एनर्जी है रोतलू गाने मत सुनते बैठना मैं सच्ची बता रहा हूँ है ना सो ये बहुत मैटर करता है भाई तो बस लगे रहो एंड फालतू का टाइम पास नहीं करोगे पढ़ाई करोगे वादा है आप लोगों का मुझे मेरा वादा है आपको आपके लिए जान लगा देंगे हम लोग सब लोग आशीष सर मैं अब्बर सर विनीत सर शुभी मैम हम सब लोग आपके लिए जान लगा देंगे मेरा वादा है आप सबको बस आप लोगों को बस ये प्रॉमिस आपने कर दिया दैट सेट अब लगे रहना है हम लोग साथ में मिलकर धूम मचा देंगे सीएसइटी क्लियर करना टाइम श्योर करना ही है भाई बात ही नहीं आती ठीक है आ, कोई कह रहा है मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया बेटा प्लीज टेक केयर ऑफ योर प्लीज टेक केयर ऑफ योर अमीशा प्लीज अपना ध्यान रखो चलो ओके okay बच्चा लव यू ऑल बाय गाइस टेक केयर अभी अच्छे से पढ़ाई करनी है फिर सो जाना है फिर सुबह मिलेंगे कॉल कॉल पे पे क्यों नहीं आते तुम लोग उठ जाया करो अब हो गया बहुत उठ जाया करो ठीक है चलो लव यू गाइस बाय गाइस टेक केयर गाइस ठीक है चलो आप लोग के लिए एक छोटा सा गाना सुना दू छोटा सा प्यारा सा वही वाला फेवरेट वाला है ना ठीक है सुन लो आप लोगों के लिए ठीक है <clears throat> मेरा बहुत फेवरेट गाना है इसलिए एक बार फिर से सुना आ चुका वैसे ओ मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे काक से उठा के यार तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फ मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए तेरे बिना जीना ये दिन दिल आए यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना तेरे ऐसा यार कहा, कहा ना। चलो धन्यवाद थैंक यू सो मच एंड जाओ अभी एंड मम्मा पापा से रोज बात किया करो अपने है ना अच्छा लगता है मम्मा मॉम डैड को उनसे बात किया करो बैठा करो उनके पास में एंड अगर कुछ मिस्टेक किया तो पहले जाओ मम्मी पापा को हक करो सॉरी बोलो ठीक है चलो बाय एवरीवन टेक केयर एवरीवन लव यू ऑल बाय गाइस मिलते हैं कल सुबह मिलते हैं टाटा कल से करेंगे डाउट सॉल्विंग सेशन बाय एवरीवन टेक केयर